आप सब क्या अवगत है इस बात से कि वो झंडा लाल क्यों है? खूनी रविवार का नाम जानते हैं आप सभी? दरअसल ये सारी चीजें मजदूर दिवस के गर्भ में, मजदूर उस समय कोई इंसान के रूप में नहीं काम करता, जानवरों के रूप में काम करता। 24 घंटे उसे ड्यूटी पर रहनी पड़ती थी, 24 घंटे उसे काम करना पड़ता था वैश्विक स्तर। लेकिन कहते हैं समाज को बदलने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है, समाज को बदलने के लिए कुछ लोग ही जब आगे आते हैं तो समाज निश्चित रूप से बदलता है, सत्ता बदलती है, लोगों के विचारधाराएं जो जनहित के लिए नहीं, यही बात तो हम बताएं अभी, जनहित के विरोध में हुआ करती है वो अभी बदलता है। आप समझ सकते हैं 14वीं 15वीं शताब्दी का वो इतिहास जिसे रेनेसां के नाम से जानते हैं। आप अपने स्तर से वहां कर फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति जिसको औद्योगिक क्रांति भी कहते, वस्तुतः मजदूरों के लिए द्वार खोलने वाला साबित। निकोलस द्वितीय के राज में जो काम, जो जन विरोधी काम हो रहा था उसके विरोध में जनता जागरूक हुई और उसका पतन हुआ। लेकिन वैश्विक स्तर पर मजदूरों की समस्याएं 1 मई को ही पूरी तरह से दुरुस्त हो सका, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नाम हैं, हम अभी चर्चा में शामिल करेंगे। दिनेश कुमार अकेला को, वो पहले तो एक जनवादी मजदूर गीत से प्रारंभ करेंगे फिर अपनी बात रखेंगे। दिनेश कुमार अकेला, कुर्सी पर इधर आगे बढ़ा दो।